हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं Redmi 10X 5G के बारे में। इसमें अगर चार्जिंग का इरोर या नॉट चार्जिंग या फेक चार्जिंग का इशू आता है तो कैसे सिस्टमेटिक डायग्राम से इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों, दोनों साइड का दोनों जो कि दोस्तों प्रिंट है वो नेगेटिव है। उसके बाद लाल वाला जो दोनों प्रिंट है ये आपका पॉजिटिव है। उसके बाद ये वाला देख सकते हो, येलो वाला ये डाटा पॉजिटिव है। और उसके बाद ये वाला जो आपका ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला आपका डाटा पॉजिटिव है। और ऊपर वाला जो कि दोस्तों वेलो वाला डाटा नेगेटिव है। उसके बाद जाता है दोनों पिंड SUB2 और SUBCC2। ये दोनों जो कि दोस्तों OTG कनेक्ट करने के लिए अलग से इसमें दिया हुआ रहता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से लाइन निकल कर जो कि हम लोग बात करने वाला आज इसमें चार्जिंग के बारे में। तो सबसे पहले पॉजिटिव वाला देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से दोस्तों इस कनेक्टर तक आते हैं। यहाँ से जो कि दोस्तों आपका फ्लैक्स के थ्रू, यानी कि जो कि दोस्तों यहाँ से एक पत्ता के थ्रू आपका मेन मदरबोर्ड पर जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ से जो कि आप अगर देखेंगे, यहाँ से डाटा पॉजिटिव और यहाँ से डाटा का जो नेगेटिव है वे कुछ इस तरीके से यहाँ से जो कि दोस्तों फ्लैक्स के थ्रू आगे की ओर जाते हैं। तो अगर आपका चार्जिंग फेक चार्जिंग या नॉट चार्जिंग आते तो यहाँ से जो कि तीनों लाइनिंग को आपको चेक करना होगा। और एक नेगेटिव इन चारों लाइनों पर जो कि दोस्तों आपका चार्जिंग का काम करते हैं। और यहाँ से बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो आपको मेन मदरबोर्ड पर आ जाना है। मेन मदरबोर्ड पर जो कि दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से होते एक कैपेसिटर लगा हुआ और यहाँ से जो कि दोस्तों आपका एक टेस्ट पॉइंट है और यहाँ तक आ जाते हैं। और यहाँ तक अगर आपका प्रॉब्लम मतलब जो कि दोस्तों यहाँ तक लाइनिंग आ रहे हैं तो आपको आगे की ओर आ जाना है। नहीं आ रहा तो आपको आगे की ओर आके यहाँ पर जितने भी रेड कलर का है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से इसका लाइनिंग इनिंग हुआ है, यानी कि अंदर की ओर आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा एक IC लगा हुआ है, तो यहाँ से होती है कुछ इस तरीके से यहाँ से आगे की ओर गया है। और आगे की ओर जाने के बाद जो कि दोस्तों यहाँ पर एक और छोटा सा IC लगा हुआ है। और यहाँ से जो कि दोस्तों निकलने के बाद यहाँ पर एक कुछ कैपेसिटर से होते हुए यहाँ से जो कि दोस्तों आपका BQIC के अंदर चला गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो कि दोस्तों अंदर गया और यहाँ से जो कि दोस्तों जाने के बाद कैपेसिटर से होते हुए कुछ इस तरीके से आपका जो कि दोस्तों Power IC तक आगे की ओर निकल गया है। और सॉरी दोस्तों Power IC नहीं, BQ पे आया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इसमें DC to DC IC लगा हुआ है। और यहाँ से जो कि दोस्तों कुछ इस तरीके से आउट आ जाते हैं, यानी कि चार्जिंग के लिए निकल जा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट पे अगर आपका चार्जिंग में जो कि दोस्तों वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पर कम आ रहे हैं तो यहाँ से आपको एक बार चेक कर लेना होगा ये वाला कैपेसिटर में। और अगर उसके बावजूद भी आपका अगर चार्ज नहीं सपोर्ट शो करता दोस्तों, या तो फिर एरर आता किसी भी तरीके का, तो सबसे पहले ये VPH का लाइनिंग को आपको एक बार चेक करना है। क्योंकि अक्सर देखें दोस्तों कि आपका जो BPH पावर के जो लाइनिंग है इसमें अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो आपका चार्जिंग शो नहीं करता है, कई बार इरोर आते हैं या तो फिर चार्जिंग शो ही नहीं करता है। तो आपको BPH का लाइनिंग भी अगर सही है तो यहाँ से देख सकते हैं आपका बैटरी के लिए यहाँ आगे की ओर निकल जाते हैं। तो अगर आपका बैटरी कनेक्टर पर सही से वोल्टेज नहीं जाता तो यहाँ से ये वाला जो बड़ा वाला कैपेसिटर यहाँ से डायरेक्टली आप उठा सकते हैं अगर IC से इशू है तो। और डायरेक्ट ला करके आपको जो कि दोस्तों यहाँ पर यहाँ से होते हुए जो कि दोस्तों दो कैपेसिटर यहाँ पर है, दोनों पे अटैच होते हैं। और यहाँ से होते हुए जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका आगे क्यों निकल, यहाँ पर एक जो कि दोस्तों ब्लैक डायोड लगा हुआ है, डायोड से होते तो आपका टेस्ट पॉइंट पे आता है। उसके बाद फिर से दो कैपेसिटर और फिर आपका बैटरी कनेक्टर पर आ जाते हैं और इसके थ्रू आपका बैटरी से जुड़ जाते हैं। कुछ इस तरीके से इसका जो कि दोस्तों चार्जिंग पॉजिटिव का लाइनिंग इनिंग और आउट दोनों होते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों अगर थर्मल, यहाँ पर जो कि दोस्तों आपका बैटरी टेम्परेचर हाई या टेम्परेचर लो इस टाइप का अगर मैसेज आते हैं तो ये वाला जो लाइनिंग है इससे इशू आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से जो कि दोस्तों लाइनिंग निकल के यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट है। आपका अगर बैटरी ID भी लेना तो ऊपर पर एक टेस्ट पॉइंट है। और यहाँ से होती है कुछ इस तरीके से जो कि दोस्तों आपको जो आपका बैटरी का जो थर्मल लाइन है वो आगे की ओर निकल जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है दोस्तों, जिसके कारण थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूँ दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे की ओर लेके जाता हूँ आपको, और ये जो कि दोस्तों यहाँ से होते हुए एक कैपेसिटर पर आएंगे और सीधा आपका जो CPU है उसके अंदर चले जाते हैं। तो अगर आपका ID का लाइनिंग में इशू रहते हैं दोस्तों बैटरी ID में, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर देख सकते हैं यहाँ से होते हुए सीधा आपका CPU में चले जाता है। अगर ID में का प्रॉब्लम आता है दोस्तों तो यहाँ से कैपेसिटर के आगे वाले हिस्से से आप डायरेक्टली जम्पर ले सकते हैं। तो अगर ID का लाइनिंग शॉर्ट दिखा तो वाला कैपेसिटर को आपको रिमूव करना है, क्योंकि यही कैपेसिटर अधिकतर शॉर्ट होते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो कि दोस्तों एरर का प्रॉब्लम। और कई बार क्या होता है कि आपका फेक चार्जिंग का इशू आ जाते हैं, फेक चार्जिंग का इशू जो कि दोस्तों डाटा का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है यहाँ से आते हैं।
क्यों डाटा पॉजिटिव में अगर आपका सही से वर्क नहीं करे तो भी आपका जो कि दोस्तों फेक चार्जिंग का इशू अक्सर आते हैं। तो आपका ये वाला जो पॉइंट देख सकते हैं, ये वाला आपका डाटा पॉजिटिव का है, यहाँ से नेगेटिव का भी है, वैल्यू वाला नेगेटिव, और यहाँ से जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टेस्ट पॉइंट से होते हुए कुछ रेजिस्टेंस से होते हुए जो कि दोस्तों यहाँ पर आगे की ओर निकल जाते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से जो कि दोस्तों जम्पर उठा करके आपका जो चार्जिंग जैक है उसमें भी आप लगा सकते हैं अगर आपका पत्ता से प्रॉब्लम हो तो यहाँ से कुछ इस तरीके से जो कि दोस्तों होते हुए आपको जो कि है आगे की ओर निकल जाते हैं। और आगे की ओर जाके जो कि दोस्तों ये वाला लाइन भी आपका क्या होता है कि आपका जो सीपीयू है उसके अंदर चले जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊँ, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो के कारण थोड़ा सा स्लोली यहाँ पर वर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। तो मैं जो कि दोस्तों इसको लेकर के जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव दोनों ही जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा आपके सीपीयू के अंदर जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो कि दोस्तों चार्जिंग का लाइनिंग वर्क करते हैं कुछ इस तरीके से। तो आशा करता हूँ अगर आपके पास भी चार्जिंग का प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों रेडमी में, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और किसी भी सेट का अगर आपको स्टेमेटिक डायग्राम चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके बारे में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसी टाइप के वीडियो और भी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।